जरूर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि भैया इस वीडियो आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार टारगेट प्लेयर्स यहाँ पर आप लोग बोलेंगे। इनके टारगेट प्लेयर लिस्ट में यहाँ पर चार जो टारगेट प्लेयर्स रखे जरूरी मायने रखते हैं इस टीम के लिए। यहाँ पर स्क्वाड में कुछ चेंजेस दिखाने पड़ेंगे। ऑलरेडी भैया 2022 में परफॉर्मेंस अच्छा था, यहाँ पर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस यहाँ पर लोअर भी दिखा यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का परफॉर्मेंस। तो भैया सब मिला के यहाँ पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो भैया 2023 का यहाँ पर स्क्वाड में चेंजेस और भैया टारगेट जरूर प्लेयर्स करना पड़ेगा। इस वीडियो में जरूर टारगेट प्लेयर्स आप लोग बोलेंगे। वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट है एसआरएच के फैंस के लिए। वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, आराम से भैया जो है लाइक बटन को दबा दीजिए। चैनल नए सीखने के लिए अपडेट्स एसआरएच से अपडेट्स वाले तो भाई नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, हिट द सब्सक्राइब बटन कर लिया। अभी आप लोग हमारे चैनल के सभी वीडियोस का अपडेट मिलते रहेंगे। एसआरएच यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 2022 का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। आईपीएल हिस्ट्री में यहां पर एक बार के चैंपियंस रह चुके थे ऑलरेडी। यहां पर क्या ही बोले, बहुत ही बढ़िया है, ताबड़तोड़ फ्रेंचाइज है। ऑलरेडी प्लेऑफ्स में भी बहुत बार इन्होंने जगह बना लिया था और वह फ्रेंचाइज बहुत ही बढ़िया है। इनके प्लेयर्स यहाँ पर जो है केन विलियमसन कैप्टन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप लोग जरूर से चार यहाँ पर टारगेट प्लेयर्स बोल देंगे क्योंकि भाई जरूर जरूरतमंद यहाँ है यहाँ पर आप लोगों के लिए, हैदराबादी फैंस के लिए, मतलब आप ही लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल वीडियो जरूरी आ रहा है। तो वैसे ऑलरेडी आप लोग चार टारगेट प्लेयर्स आप लोग परोसे थे, पहले से आते हैं। यहाँ पर पहला है यहाँ पर केन विलियमसन। आप यहाँ ठीक सुना, केन विलियमसन। अब आप लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पर क्या भैया केन विलियमसन क्यों बोले, ये तो ऑलरेडी कप्तान है। फिर मैं बोल देना चाहता हूँ भाई यहाँ पर 14 करोड़ के पर्स से रिटेन करना है, भी बोला और दूसरे टीम में यहाँ पर की भैया 14 करोड़ से रिटेन की कोई ना चाहिए। ऑलरेडी इनका जो प्राइस है थोड़ा बहुत कम में भी तो कर सकते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भैया इनको रिलीज कीजिए और भैया मिनी ऑक्शन 2023 में जाइए, अपना बिड लगाइए और बड़ा बिड लगाइए और इनको भैया पा जाइए क्योंकि भैया इतनी बड़ी यहाँ पर जो है इतना फ्रेंचाइज है नहीं। यहाँ पर 9 फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी पास यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर है, एज अ कैप्टन वाइस प्लेयर देखो तो सबके पास है। तो भाई केन विलियमसन को कोई यहाँ पर लेने नहीं जाएंगे, एज अ कम रेट में तो नहीं मिलेगा और यहाँ पर ज्यादा दो है यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर लगाने के लिए नहीं जाएंगे। एज अ हैदराबाद के यहाँ पर दृष्टिकोण से देखेंगे तो वाइज यही यहाँ पर टारगेट करते हुए देखेंगे और मेरा मानिए भैया 14 करोड़ के पर्स से रिटेन करने से अच्छा है कि भैया उससे कम यहाँ पर खर्च के यहाँ पर इनको भैया अपने टीम में फिर से रख लीजिए, कैप्टन बना दीजिए। बहुत ही बढ़िया कैप्टन है, कैप्टन कूल है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर काइल जेमिसन आवा है, काइल जेमिसन का नाम लेते हैं भैया क्या ही बोले। ऑलरेडी एज अ विदेशी पेसर आसपी के गत साल खेल चुके हैं, मतलब यहाँ पर 2022 में खेला नहीं थे, 2021 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 14 मैच में 14 विकेट लिए थे। ओवरऑल इनका एवरेज और भैया परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। आरसीबी के ऑलरेडी खेलते थे, लंबे कद के यहाँ पर बॉलर हैं, ऑलरेडी बैटिंग में थोड़ा बहुत इनका करना था, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। तीसरे नंबर पे है यहाँ पर दाविद मलान, तो गाइस ऑलरेडी बोला है आप लोगों लोअर पोजीशन को यहाँ पर भरपूर यहाँ पर फायदा उठाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और भैया आप लोग मिडिल ओवर में गेम चलाना है तो भैया दाविद मलान के जैसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं दिखेंगे क्योंकि भैया मिडिल ओवर में गेम चलाना है और भैया आप लोग फास्ट बॉलर स्पेसर को बढ़िया खेलना है तो भैया ये मतलब ये बैट्समैन जरूरी यहाँ पर इनके स्पेशलिस्ट है। चौथे नंबर है लास्ट प्लेयर है यहाँ पर एडम जैम्पा की बात करें तो भैया एडम जैम्पा का रखूंगा, बहुत ही बड़े ये भैया एज ए ऑस्ट्रेलियन स्पिनर बोले तो गाइस इनका भैया फिर के बहुत ही एंगल में टर्न करता है और भैया गुगली तो इनके जैसा उतना बढ़िया कोई डाल नहीं पाता। ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर जो है गेंदबाज है, इनके तो आंकड़े देखे आईपीएल के, प्रति 13 बॉल में 1 करके विकेट लेते हैं और भैया एक बार तो भैया 6-6 विकेट छक्का लेते हो भैया क्या ही बोले। तो गाइस ऑलरेडी आप लोग ये जो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार टारगेट प्लेयर्स बोले यहाँ पर कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद इनके ऊपर जरूर मोहर लगाने के लिए जाएंगे। हाँ भैया भरोसा मानिए इनके ऊपर जरूर से मोहर लगाने के लिए जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर से यहाँ पर ये जो टारगेट प्लेयर्स आप लोगों के जहन में चार टारगेट प्लेयर्स आप लोग जरूर यहाँ पर राय दे सकते हैं। आप लोगों को इस टारगेट प्लेयर्स कैसे लगे भैया जरूर कमेंट करके बताए। वीडियो आपको थोड़ी देर अच्छा लगे तो फटाक से लगे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब, नीचे चैनल को सब्सक्राइब लिंक को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस आज के दिन मिलता है और एक इंस्ट्रूमेंट।